हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वेलकम लाइफ। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? तो हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बाद में घंटी को जरूर दबाएं, जिससे पाए हमारा आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले। तो आज हमारे पास एक कमेंट आए थे मोहम्मद साफिज की तरफ से, और ये कहते हैं कि भाई, हम गाड़ी को जब शुरू में स्टार्ट करते हैं तो उसको कितनी देर तक स्टार्ट रखें और फिर कितने देर बाद चलाएं और हैंड ब्रेक कैसे लगाएं। तो सब कुछ इस वीडियो में आपको मैं दिखाऊंगा और बताऊंगा। तो वीडियो का एंड तक देखते रहिए, क्योंकि जब तक आप वीडियो का एंड तक नहीं देखेंगे आपके समझ में कुछ नहीं आने वाला है। तो वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए एंड तक, और लाइक ज़रूर कर दें, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। तो मैं बताता हूँ कि जब आप गाड़ी को शुरू में स्टार्ट करते हैं तो उसको 5 मिनट तक स्टार्ट रखें गाड़ी को, जिससे कि जो मोबिल होता है वो पूरी तरीके से गर्म हो जाए। और जब भी आप गाड़ी को स्टार्ट करते हैं, रेस बिल्कुल भी नहीं दें, इससे गाड़ी क्या है, मोबिल उठा देती है। मोबिल उठने के कारण बहुत सी परेशानियां आपकी गाड़ी में आ जाएंगी। और उसके बाद बात करते हैं कि ये भाई कहते हैं कि भाई, ब्रेक नहीं लगते जब गाड़ी को जैसे स्टार्ट कर दिया और चल दिए। तो उसके लिए आपको क्या है कि प्रेशर देखना होता है गाड़ी के अंदर, बड़ी गाड़ी के अंदर 6 का प्रेशर मीटर होता है ऊपर। मैंने फर्स्ट टाइम एक वीडियो बनाई हुई है ट्रक कैसे चलाएं, तो उस वीडियो को आप देखकर ये सीख सकते हैं, और उसमें देख लेना एक बार, सारी चीज़ें आपको कंटिन्यू दिख जाएंगी और उससे आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा वीडियो से। तो उसको एक बार ज़रूर देख लिए इस वीडियो को देखने के बाद। अब बात करते हैं कि जब 6 का प्रेशर हो जाता है तब उसके बाद आपको गाड़ी को जो है आगे की तरफ चलाना है। फर्स्ट टाइम गियर कब लगाना है, गियर जब लगाना है जब पूरा प्रेशर हो जाए। अपना ब्रेक ब्रेक चेक करके गाड़ी का, हैंड ब्रेक क्या होता है वो भी उस वीडियो के अंदर मैंने डाल रखा है, सब कुछ उस वीडियो के अंदर मैंने बता रखा है। ऐसी कोई बातें नहीं है जो उस वीडियो के अंदर मैंने नहीं बताई है, तो उस वीडियो को देख सकते हैं। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन है आपके लिए आज की। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।